आई एम अनामिका, अनामिका ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं आई हूँ किचन में, तो किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ मूली और उसके पत्ते की साग, दाल और मटर और आलू की सब्जी ग्राइंड करके, जिसको हम लोग गद्दा बोलते हैं, हमारे बिहार साइड में गद्दा बोलते हैं। तो और उसको क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे साइड में, हमारे गांव में मम्मी लोग बोला करती थी कि ये गद्दा है, इसको गद्दा बोलते हैं, जो कि हमारे ससुर जी को बहुत पसंद है। तो मैं आज वही बना रही हूँ। आलू और फ्लावर का चक्का बनाऊँगी, फिर राइस, रोटी, आज बहुत सारा आइटम बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या बनाती हूँ फटाफट। ये देख सकते हो मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा घी डाल के, अब इसको भून रही हूँ। इसका पानी निकल जाए फिर इसको निकाल दूंगी। इधर मैंने साग बना लिया है, आप देख सकते हो मूली और पत्ते की साग बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। और बताइए आप लोग कैसे हो। ये गाइस आप देख सकते हो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। वाओ, इधर मैं ऑयल डाली हूँ, सॉरी कढ़ाई गर्म होने के लिए दी हूँ। अब मैं इसमें बनाऊंगी साग में हम लोग राई तेल देंगे। मैंने थोड़ा सा राई ऑयल डाला है क्योंकि राई तेल में ना बहुत टेस्टी होता है साग की टेस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा राई तेल में यूज करके। तो ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है, ये हमारा ऑयल गरम हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक से कट कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने हरी मिर्च बारीक मीडियम में कट किया है। अब हम ऑयल में मिर्ची छोड़ देंगे, हमारा मिर्ची थोड़ा सा पकेगा। फिर हम इसमें डालेंगे साग। साग में थोड़ा सा पानी था तो अब हम इसको ढक देंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से पानी भी सूख जाए और हमारा साग भी अच्छे से पके। हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हमारा साग बनके हो गया है रेडी।
क्या मस्त मस्त दिख रहा है ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताना किस किस को मूली का साग अच्छा लगेगा। ये देखो इधर मैंने आलू फ्राई होने के लिए दिया है। वाह हमारा आलू फ्राई भी हो चुका है। अब हम बनाएंगे भाजी। तो हे गाइस कमेंट में जरूर बताना हमारा मूली साग कैसा लगा आपको। आप लोग भी एक बार ट्राई करना। बहुत ही सिंपल साधारण तरीका है इसका बनाने का। अब हम बनाएंगे भाजी। हमारा साग बन गया है तो अब हम साग को करेंगे पलटी। आप लोग देख सकते हो हमारा साग हो गया है रेडी। तो हे गाइस आप देख सकते हो हमारा ऑयल हो गया है गरम। अब हम इसमें देंगे 1 स्पून जीरा। अब इसमें हम देंगे 1 अखा। कांदा मैंने कट किया है बारीक से वो। थोड़ा सा हम इसमें अदरक घिस के डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। अब हम इसको पकने के लिए छोड़। ये गाइस इसमें मैंने 2 स्पून दिया है जीरा पाउडर एंड हल्दी ये सॉरी धनिया पाउडर और 1 स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून सोल्ट। अब हमारा मसाला हो रहा है फ्राई तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। और ये 1/2 स्पून अखा गरम मसाला है। ये गरम मसाला मैंने दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हे गाइस आप देख सकते हो मैं अब चक्का बनाने का तैयारी कर रही हूँ। तो ये है हमारा चावल और हम इसको 2 पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो भी कचरा हो वो निकल जाए। अगर आप लोग चाहें तो इसका ये राइस का जो पानी है वो स्टोरेज करके रख सकते हो, हेयर में लगा सकते हो तो इससे डैंड्रफ भी निकल जाएगा। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है चावल को। अब हम सारा चावल इसमें डालेंगे मिक्सर में ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और ये मैंने वॉश करके रखा है इतना सारा। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग दो, आपको तीखा किस हिसाब से चाहिए। ये मैंने लहसुन छीला है। इसमें लहसुन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिर अच्छा टेस्ट आएगा। तो हे गाइस देख सकते हो मैंने 2 टमाटर लिया है और फिर मैं अच्छे स्लाइस में कट करूँगी भाजी में डालने के लिए।
ये आप देख सकते हो मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे। क्या कलर आया देख सकते हो गाइस, मस्त कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे बटाटा। फिर हमने जो फ्राई किया है वटाना मटर जिसको बोलते हैं, उसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे। तो हे गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो ये देख सकते हो कि हमारा रेडी हो चुका है दाल और इसका साग, धनिया की चटनी, ये गद्दा, इसको हम लोग गद्दा बोलते हैं, मटर और आलू का रोटी, और ये रहा हमारा भज्जी चक्का जिसको बोलते हैं पापड़। तो कैसा लगा हमारा डिश, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा डिश कैसा लगा। आप लोग भी एक बार ट्राई करके टेस्ट कीजिए कि कैसा लगता है हमारा बिहारी डिश। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널